हेलो एवरीवन मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल ये फिफ्टीन अगस्त से लेकर ट्वेंटी तो अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं टैरो प्रडिक्शन्स हैं और देखिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट एनर्जीज थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस इंटेंशंस देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और देखिए अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 होता है अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी कॉन्टेक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड सेकेंड थिंग बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें तो देखिए टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं चाहे फिर वो आपका सन साइन हो मून साइन हो एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि फल तो चलिए ट्विटर्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं हर्मिट रिवर्स एंड द म्यूज और देखिए सबसे पहली बात ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं जहाँ डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन के लिए द म्यूज़ का कार्ड एक यू नो सेटिस्फेक्शन की बात करता है हैप्पीनेस जॉय की बात करता है वहीं सरफेस लेवल के लिए द हर्मिट रिवर्स का कार्ड कहता है कि चीज़ें हो सकता है कि जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं चल रही हैं या फिर एक मिसिंग सी फीलिंग रह रही है और देखिए जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है कहीं डीपर लेवल के लिए आप इन्हीं चीजों से इतना अफेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं एक तसल्ली सी रखते हुए दिख रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि या तो पीछे आप बहुत ज्यादा सोशल सर्कल को अवॉइड कर रहे थे लोगों को अवॉइड कर रहे थे इंडिपेंडेंटली हर चीज को करना चाह रहे थे एक अकेलापन महसूस कर रहे थे या फिर चाह रहे थे और इस वीक इन्हीं एनर्जी से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज में बहुत ज्यादा डीप जाते जा रहे हैं आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बहुत एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूँगी जो भी सोफिस लेवल पे हो रहा है कहीं डीपर लेवल पर आपको ये चीजें इतना अफेक्ट नहीं कर पा रही हैं डीपर लेवल के लिए अगेन बहुत एक तसली बहुत एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है और देखिए ओवरऑल के लिए कहीं आप इंडिपेंडेंट चीजों को करना चाह रहे हैं किसी चीज को ढूंढते हुए दिख रहे हैं किसी चीज को यू you नो know, खोजते हुए दिख रहे हैं अगेन एक मिसिंग सी एनर्जीज या फिर मिसिंग सी चीजें एक्सटर्नली रहती हुई दिख रही हैं एंड पर्सनल लेवल के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ सोल्स रिवर्स एंड द किंग ऑफ कीज और देखिए ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक टैंजबल चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट आपके पर्सनल फ्रंट में है आपको कहीं मनी पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे गेन फायदा भी हो रहा है लेकिन ये चीज़ें वो सेटिस्फेक्शन वो जॉय नहीं दे पा रही हैं या फिर इसके बावजूद एक फ्रस्ट्रेशन एक इरीटेशन आप महसूस कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि यू नो अगेन एक फ्रस्ट्रेटिंग एक इरीटेटिंग सी जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं लेकिन कोई इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल है, है उनकी वजह से आप ये इरीटेशन ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उनको आपको किसी चीज़ को लेकर कमिटमेंट देनी चाहिए आपके लिए ज़्यादा उनको डिवोटेड डेडिकेटेड होना चाहिए ऐसा वो नहीं हो रहे हैं और इसलिए आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं या फिर ये चीजें हैं इसके बावजूद आप यू you नो know, वो सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे हैं किसी ईमेल मैसेज फोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस वीक आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और अगर मिल भी जाएगा तो ये इरिटेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ाता हुआ दिख रहा है और देखिए या तो एक्वेरियस आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं या फिर आपके वंस क्लोज वंस में से कोई इंसान हैं जिनकी बहुत एक इमेच्योर एनर्जीज हैं और अगर आपकी हैं तो आप ज़रूर थोड़ा सा ख्याल रखें कि कैसे आप मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें या फिर बहुत एक इमेच्योर बिहेवियर आप ना रखें और अगर किसी और की हैं तो इस वीक के लिए आप उनको इग्नोर करें बहुत उन पर फोकस ना करें बहुत उनके साथ आप ना उलझें एंड गाइडेंस uh, है आप लोगों के लिए मेराल्स का कार्ड है ये कार्ड कहता है एक्सपेक्ट द वडर्स टू इमर्ज तो देखिए मैंने हमेशा कहा है क्वेस कि मेराकल्स मैजिक उन्हीं के साथ होता है जो मेराकल्स और मैजिक में विश्वास रखते हैं तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मेराकल हो तो यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें अपनी एबिलिटीज़ अपनी कैपेबिलिटीज पे कंप्लीट फेथ रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ को माने कि मैजिक और मेराकल्स होते हैं और देखिए ऐसा अगर आप करेंगे तो जिस चीज़ की आपको उम्मीद नहीं थी जिस चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो इस वीक हो सकती है एंड स्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो या फिर ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आपके लिए लकी रह सकते हैं एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया कितना आप कनेक्ट कर पाए